और नाथद्वारा से हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजसमंद के नाथद्वारा में हैं और आज दिन भर के कार्यक्रमों की उनकी बात करें तो अब तक क्या कार्यक्रम हो चुके हैं और बाकी कार्यक्रम क्या हैं? जी प्रभात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सहकारिता मंत्री जो है उदयलाल आंजना, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन किए, जहाँ पर मंदिर परंपरा अनुसार उनका सुधाकर स्वामी शास्त्री ने उपरना ओढ़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेजकर स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे गुड़ला में नवनिर्मित बदामबाई उदयलाल सिंहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। अभी उन्होंने यहाँ उद्घाटन समारोह में शिरकत की है और अब मुख्यमंत्री यहाँ से भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी कुलदीप, डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ हैं, डोटासरा, उदयलाल आंजना, ये तीनों उनके साथ हैं। उनके अलावा भी अगर विशेष हम चेहरों की बात करें, राजनीतिक चेहरों की, तो और कौन उनके साथ इस दौरे में मौजूद हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चारों विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा यहाँ स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो आसपास के विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे। जी एक और सवाल कुलदीप, अब फिलहाल जो भी राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है और अभी अगर हम हाल ही में जो उपचुनाव संपन्न हुए हैं उसके परिणामों की बात करें, तो कितना महत्वपूर्ण और सियासी क्या मायने इस दौरे के निकाले जा सकते हैं? जी अभी ये चर्चा चल रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही इस पर हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी इसमें ये कहा जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का कद बढ़ाया जा सकता है, उन्हें मंत्रिमंडल में जो लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घोषणा यहाँ भी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये जो एक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का प्रभाव रहा है शुरू से, कि वो जब सरकार में होते हैं या ना होते हुए भी वे अपना काम बखूबी निकलवा लेते हैं। आज की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर जब प्रशासन के साथ जब यहाँ पर आज ये आए हैं तो उन्होंने जो मांगे रखी थी, गोविंद सिंह डोटासरा ने उन सभी को आत्मपास स्वीकृत कर दिया। करीब करीब 5-6 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने और उसके अलावा अंग्रेजी माध्यम में उनको प्रमोट करने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने मांग की थी, जिन्हें हाथों हाथ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्रमोन्नत करने की घोषणा भी कर दी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि जो सीपी जोशी यहाँ मांग कर रहे हैं उन सभी की लगभग आने वाले दिनों में पूर्ति कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सियासी मायने इसके बहुत ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते, लेकिन आज जो कार्यक्रम रहा है उसमें वो नाथद्वारा पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने राजभोग झांकी के दर्शन किए। हालांकि इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री उनके साथ गए थे, शिक्षा संबंधी कुछ मांगे वहाँ पर स्थानीय नेताओं की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से की गई थी और उन मांगों पर डोटासरा ने और मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उनकी पूर्ति का आश्वासन दिया है।